हरे कृष्णा। श्री वृंदावन धाम में कई सारे सरोवर है, कुंड है, और उन हर सरोवर कुंडों के मध्य दिव्य अद्भुत लीलाएं संपन्न हुई है। इस समय हम विराजमान हैं श्री वृंदावन में राधा कुंड के निकट सूर्य कुंड के पास, जिनके दर्शन आप कर रहे हो। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी जो हमारे प्रमुख आचार्यों में से एक आचार्य है, वे सूर्य कुंड पे निवास करके ही अपनी भजन साधना आराधना करते थे। वैसे तो वो मूलतः बांग्लादेश के थे, बंगाल में आविर्भूत हुए थे, अत्यंत धनी परिवार से थे, किंतु वे वृंदावन की ओर जब चले आए तो सूर्य कुंड के निकट ही अपना डेरा डाल के रखे। उनकी भक्ति इतनी प्रसिद्ध थी कि पूरे ब्रज 84 कोस में बाबा अपने साधना भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। बाबा 6 महीने नवद्वीप में वास करते थे और 6 महीने श्री वृंदावन धाम में वास करते थे। यहाँ पर जब बाबा वास करते थे तो उनके निकट के एक सेवक थे। वह सेवक बाबा की अत्यंत प्रेम से सेवा भी करते थे, किंतु उसी तरह उनके सूक्ष्म अति सूक्ष्म चीज़ों पर भी ध्यान देते थे। एक दिन बाबा जब ब्रज में सोहनी सेवा करते हैं, सोहनी सेवा अर्थात यहाँ तो कचरा होता नहीं है, ये ब्रज धाम हीरे मानिक मोतियों से बना हुआ है जो हमारे जड़ नेत्रों से हम देख नहीं पाते। तो जो भी सोहनी सेवा अर्थात झाड़ू लगाने की सेवा करते थे, बाबा एक दिन उनसे माधुकरी करते हैं, उनसे रोटी मांगते हैं, और उनसे रोटी पाने के पश्चात बाबा के सेवक को पता चलता है और वे बाबा से कहते हैं कि हमने तो अभी आपको रसोई पवाई थी, अभी तो आपने रोटी खाई थी, और उसके पश्चात भी आपने इस जो भंगी का कार्य करता है, सोहनी लगाता है, उससे आपने रोटी मांगी, और यदि ब्रज क्षेत्र में सबको पता चल गया तो सब ब्रजवासी साधु संत महात्मा कितना नाम रखेंगे बाबा। तो बाबा जी के जो सेवक थे बिहारी दास जी, बाबा उनको तो कुछ उत्तर नहीं दिए, किंतु कुछ दिन पश्चात ही यह खबर पूरे ब्रज क्षेत्र में फैल गई। और जैसे ही सारे ब्रज क्षेत्र में फैल गई तो अनेक अनेक संत महात्मा वहाँ पर आए और वे भी बाबा से विनती याचना करने लगे कि बाबा आपने इस तरह से रोटी उस भंगी का कार्य करने वालों से मांगा, यह तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, अब तक की जो ब्रज की परंपरा है इसे कहीं खंड ना पहुंचे। बाबा जी शांत स्वर में उनको उत्तर दिए कि इस ब्रज क्षेत्र में चाहे कोई भी हो, वो चाहे जलचर हो, कीट हो, पतंग हो, वृक्ष हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, वे साधारण नहीं है। और यह तो ब्रज की धूल में लोटपोट हुआ व्यक्ति है जो दिन रात सोहनी सेवा करता है, ब्रजवास अर्थात ब्रज की रज में रहना, जिसके लिए ब्रह्मा भी लालायित होते हैं, वे भी चाहते हैं कि इस ब्रज में मैं धूल बनूं। और यह तो सफाई करने वाला जो कर्मचारी है, यह तो दिन रात ब्रज की धूलियों में रहता है, इनके हाथ से प्रसादी पाकर मैं तो धन्य हुआ, मेरा जन्म सार्थक हुआ। बाबा के इस भाव को देखकर सब अचंभित रह गए, निरुत्तर रह गए, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा की उम्र तो वैसे 125 साल से भी ज़्यादा थी और वे अर्ध चंद्र आकार पूरे झुके हुए थे, उनका मस्तिष्क पूरा नीचे के घुटनों से भी नीचे झुका हुआ था, आँखों की जो पलके हैं वो पूर्ण तरह से लटक रही थी,
इतनी आयु थी। वे प्रतिदिन गिरिराज जी को तुलसी दल अर्पण करते थे, तो बाबा के जो निजी सेवक थे वो उन पलकों को ऊपर उठाते थे, तब जाके बाबा गिरिराज जी को अपने हाथों से तुलसी मंजरी अर्पण कर पाते थे। ये उनकी प्रतिदिन की सेवा थी। रात भर वे कीर्तन हरिनाम का जाप करते थे और सुबह उठकर 1108 बार दंडवती लगाते थे। हमने कल शिव जी की महिमा सुनी कि वे भी दंडवत प्रणाम आने वाले भक्तों को भी करते, जब भविष्य में आने वाले उनको भी करते, और जो भूतकाल में होकर चले गए उनको भी करते थे। ऐसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी प्रतिदिन 1108 बार दंडवती करते थे। बाबा जब प्रसादी पाने बैठते थे, यदि अगर छोटे से कुकुर, कुत्ते के छोटे से पिल्ले उनके थाली में आकर अगर प्रसाद पाने की चेष्टा करते, और अगर वो उनका निजी सेवक बिहारी दास बाबा जी उन कुत्तों को हकाल देते थे, तो बाबा जी डांटते थे बिहारी जी को कि इनको आप हकालो नहीं, ये ब्रज के महान संत ऋषि मुनि है, ये साधारण नहीं है, ये मेरे थाली में प्रसादी पा रहे, ये मेरा परम सौभाग्य है। ब्रज की धूली हो या ब्रज के जो भी चर अचर चीज़ हो, उन सब को ही दिव्य दृष्टि से बाबा देखते थे। एक बार बिहारी दास ने, अर्थात बाबा के निजी सेवक ने, बंगाल से गौर निताई के विग्रह मंगा लिए, क्योंकि सूर्य कुंड पे बाबा रहते ही थे और उनके लिए मंदिर की स्थापना भी की थी। थोड़ी देर बाद हम उस मंदिर के भी दर्शन करेंगे। तो उस मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान करने के लिए बिहारी दास जी गौर निताई को लेकर आए, अत्यंत सुंदर सुनहरे रंग के, और बाबा उनकी सेवा करना प्रारंभ किए। अभी कुछ ही दिन हुए नहीं तो पूरे ब्रज क्षेत्र में उनकी चर्चा होने लगी कि इतने सुवर्ण गौरांग और निताई कि देखते ही रह जाए, उनकी कांति पूरे स्वर्ण रंग की तरह आभा सबको प्रकाशमान कर रही है। अब यह खबर तो डकैतियों को भी पहुंचनी थी। एक दिन रात्रि में कुछ डकैती वहां पर आए और उन्होंने बाबा से कहा कि बताओ आपके पास कितना धन है, हम डाकू है चोर है। बाबा ने बड़ी शांतता से निर्विकार होके कहा, मैं तो नौकर हूँ, मालिक वहाँ बैठा है, उनको जाके पूछो। अर्थात निताई गौर की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आप उनसे मांग लो। वो डकैती अंदर मंदिर गर्भ कक्ष में गए और जैसे उन्होंने गौर निताई को देखा, तप्त स्वर्ण की तरह वे जल्दी से उनको कंबल में लपेट लिए। वहाँ पे जितनी भी साज सामग्री थी उसको भी उन्होंने लपेट लिए और बस अब उस मंदिर कक्ष से बाहर निकलने ही वाले थे, तो ऊपर पे जो थी वो दीवार से टकरा गए, उनके माथे पे लग गई और वे मूर्छित होकर गिर गए। थोड़ी देर पश्चात जैसे ही होश में आए, भगवान को भी छोड़ दिए, उस सारी सामग्री को भी छोड़ दिए और वहाँ से भाग गए। बाबा सवेरा होते ही उन्हें जब पता चला ये सारी चीज़ें कि वह मूर्तियों को चोरी करने लगे थे और फिर इस तरह वहाँ से भाग गए, तो बाबा जी ने बिहारी दास जी से कहा, बिहारी दास गौर निताई को ले जाके किसी ब्रजवासी को दे आओ, ये इतने स्वर्ण रंग के हैं तो सबको आमंत्रित कर रहे हैं और चोर डकैती भी आते हैं, तो उससे अच्छा है कि हमारे भजन में बाधा आती है, हम तो दंडवती भी नहीं कर पाते हैं, इतना सारा भजन में बाधा आ रहा है, क्यों ना आप इनको ले लो और किसी ब्रजवासी संत को दे दो। अब बाबा जी की आज्ञा, बिहारी दास जी वे खुद भी ब्रजवासी थे, उन्होंने उस विग्रह को ले लिया और वृंदावन में दे दिए, जो आज भी वृंदावन में विराजमान है, सोनार गौरांग के नाम से प्रसिद्ध हैं।
कुछ दिन पश्चात बाबा को फिर से इन विग्रहों की याद आने लगी। भक्त कहाँ भगवान के बिना रह सकते हैं। अब उनको जैसे ही याद आई, उन्होंने फिर से बिहारी दास जी से कहा कि आप ठाकुर जी को ले आओ, उनके बिना मंदिर सुना सुना है, अच्छो ना लग रो, लेकिन इस बार विग्रहों को लाओगे तो इस तरह मत ले आना कि जो चोरों को भी निमंत्रण दे। बिहारी दास जी राधा कुंड की ओर विहार करते करते हुए एक जगह से उन्होंने षडभुज गौरांग को लेकर आए, जो अत्यंत सीधे साधे थे, इतना श्रृंगार भी उनका नवकलेवरम भी नहीं हुआ था। तो जैसे ले आए, फिर बाबा ने उनका थोड़ा सा श्रृंगार किया, नवकलेवरम अर्थात तो उनको पत्रावली रंग वगैरह जिसे श्रृंगार कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में, उनको पूरा साज श्रृंगार किया और उनको मंदिर में विराजमान किए। 10 वर्ष तक तो बाबा ने उनकी बहुत अच्छे से सेवा की, किंतु बाबा जैसे 6 महीने ब्रिज में रहते थे और 6 महीने नवदीप में रहते थे, तो उनको अब तो नवदीप चैतन्य महाप्रभु की याद आने लगी। वे बिहारी दास जी से कहे, हाँ चलो उठो, नवदीप जानो है। अब बिहारी दास जी तो इतना थी साज सामग्री नहीं होती थी, बस एक कटोरा होता था, वो भी नारियल का जो गर निकाला जाता है वो एक कटोरा था, और टोकरी में बाबा को बिठाते थे और अपने सर पे लेकर निकल पड़ते थे। अब वैसे तो देखा जाए वृंदावन से नवदीप 2000 किलोमीटर से भी निश्चित ज़्यादा ही होगा, किंतु जैसे ही वे निकल पड़े, जाते 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 भागलपुर के वन तक पहुंच गए। बाबाओं को तो पलकों से कुछ दिखाई नहीं देता था, एक हाथ में बाबा की टोकरी पकड़ी हुई और दूसरे हाथ में वो करवा था, जो नारियल का गर निकाला हुआ खाली करवा था, इस तरह वो चलते थे। और जैसे उन्होंने सामने देखा एक बाघ वहाँ पे लेटा हुआ है, तो बिहारी जी रुक गए, पीछे की ओर चलने लगे। तो बाबा ने पूछा, क्यों रे, का भयो, आप पीछे क्यों चल रहे हो? तो बिहारी दास जी ने कहा कि बाबा जी, सामने बाघ सो रहा है, कैसे जाए, इसलिए पीछे को चल रहा हूँ। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं है, वो साधारण बाघ नहीं है, वो तो चैतन्य महाप्रभु का पार्षद है, उससे आप डरो नहीं, वो तो आपको देखने आया है, दर्शन देने आया है। जैसे ही बाबा जी ने ऐसे कहा, वो बाघ अपने निद्रा अवस्था से जागृत हुआ और बिना कुछ किए धीरे से मंद गति से वहाँ से निकल भी गया। बाबा इतने सिद्ध थे, इतने भक्ति में तो वो लीन थे ही, किंतु उनके शिष्य भी जो थे बिहारी दास, अपने गुरु के प्रति इतने शरणागत थे। मात्र 9 दिन 9 रात में वे वृंदावन से नवदीप पहुंचे। वैसे बाबा को पूरे ब्रज क्षेत्र में तो सभी जानते ही थे, किंतु नवदीप में भी बाबा प्रसिद्ध थे। नवदीप में जैसे बाबा जिन दिनों रहते थे, भक्ति विनोद ठाकुर जी उस समय चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव स्थली को ढूंढ निकाले थे, किंतु अन्य भी लोग इनमें मन मंत्र था कि यही निश्चित चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है या और कोई दूसरी जन्मस्थली है, इसमें जो सूक्ष्म स्तर पे विवाद चल रहा था, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने निश्चित किया कि केवल जगन्नाथ दास बाबा जी हैं जो इस जगह को प्रामाणित है, ये सिद्ध कर सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भी उसी तरह जैसे बिहारी जी टोकरे में उनको लकड़ी के टोकरे में बिठाकर लेके जाते थे, तो उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर भी अन्य भक्तों के साथ बाबा जी को उस तरह लेकर चल पड़े उस जगह की ओर। बाबा को तो वैसे नेत्रों से दिखाई नहीं देता था, शरीर भी जैसे हमने कहा कि अर्ध चंद्रमा की तरह झुका हुआ था, 125 वर्ष से भी ज़्यादा आयु उनकी हुई थी। ऐसे में जब वो चल रहे थे जिस जगह पर
वो अभी पहुंचने ही वाले थे, पहुंचते ही जगन्नाथ बाबा बाबा जी उस टोकरी में से बहुत ऊंचाई तक छलांग मारकर उसमें से कूद पड़े बाहर और पूरे खड़े होकर झूम झूम के नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। और उसी वक्त भक्ति विनोद ठाकुर ने पहचान लिए कि जिस जगह की मैं सोच रहा था यही वो जगह है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। जगन्नाथ दास बाबा जी अपने जो भी साधना उनकी भक्ति थी उतने उसमें तो वे निपुण कह ही नहीं सकते, वो तो पार्षद हैं, भगवान के ठाकुर के निज सेवक हैं, किंतु वे जब भी जप करते थे तो वे गाते थे निताई के नाम एन चीरे, अर्थात हे नित्यानंद आपने ये कैसा नाम दिया है कि यह नाम मुझे पूरा डुबो रहा है, रस प्रदान कर रहा है, निताई के ने एन चीरे, इतना सुंदर आपने ये नाम दिया है। प्रतिदिन दंडवती करते थे और रात्रि के समय वे कीर्तन करते थे। उन्होंने जो मंत्र दिया है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, यह मंत्र महामंत्र से भी अत्यंत कृपालु है, यह उनका मत था। श्रील प्रभुपाद जी को भी अन्य भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद यदि जगन्नाथ दास बाबा जी कहते कि यह महामंत्र से भी अधिक प्रभावी है, कृपा प्रदान करने वाला है, तो हमें इस मंत्र को जपना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि हमें महामंत्र का जाप करना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि महामंत्र जो भी हम जप माला पे जाप करते हैं तो उस जप माला से पूर्व हम सब पंचतत्व मंत्र कहते हैं जो भी हमने दोहराया, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, इस मंत्र के पश्चात ही हम महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने सिखाया कि इस मंत्र के पूर्व हमें यह पंचतत्व मंत्र कहना चाहिए ताकि जिस किस कारणवश कलयुग में यदि दरवाजे पे बेल भी बजती है या मोबाइल भी बजते रहता है, कलयुग में दोष ही दोष है, तो उससे यदि हमारा मन भी विचलित हो जाता है जो पवन की तरह है, चंचल है, तो यदि हम यह महामंत्र से पहले इस मंत्र को जप करते हैं, पंचतत्व प्रणति मंत्र को, तो इन अपराधों का इन पापों का हमें भय नहीं रखना चाहिए, किंतु निश्चित ही ध्यानपूर्वक जप हमें करना चाहिए। जगन्नाथ दास बाबा जी इनका स्थान हमारी परंपरा में तो है ही, किंतु इसके पश्चात भी आज भी हमारे ब्रज क्षेत्र में बाबा जी का नाम उतने ही प्रेम से लिया जाता है। और इसे सूर्य कुंड के निकट बाबा जी प्रतिदिन अपनी साधना करते थे, सारे ब्रजवासी यहाँ पर आके बाबा को मिलते थे, उनके दर्शन करते थे। आइए हम सूर्य कुंड के दर्शन करते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी की जय।
जब भगवान के कृष्ण लीला में वे रसिक मंजरी हैं और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उन्हें सार्वभौम की पदवी भी प्रदान की है। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी की जय। सूर्य कुंड की जय। श्री वृंदावन धाम की जय।